अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू अपना चैनल। आज मैं आपसे टमाटो राइस रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो सिंपल इंग्रेडिएंट से होममेड का कुछ भी हमें सॉस ये डालने की ज़रूरी नहीं है। तो अभी यहाँ पे मैंने लिया है इंग्रेडिएंट्स, आपको बोलूँगी। एंड यहाँ पे मैंने सॉल्ट लिया है एज यू नो, एंड ये है 3 to 4 टमाटोज लिया है, उसे अच्छे से चॉप कर लिया। एंड ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट पाउडर जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा दी टमाटो राइस का। एंड ये है टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 1 teaspoon है। एंड ये 1.5 teaspoon, अगर स्पाइसी खा रहे तो थोड़ा ऐड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये ग्रीन चिलीज मैंने 3 लिया है, बहुत ही डार्क है तो इसलिए बहुत ही स्पाइसी वाला रहता। एंड 1 onion फाइनली चॉप एंड करी लिप्स। So, let's start. यहाँ पे हम बनाने के लिए यहाँ पे इसमें घी डाल के गरम कर लिए हम। 2 teaspoon हमने घी लिया है, अच्छे से गरम हो गया। अब मैं इसमें ऑनियन एंड ग्रीन चिली ऐड करूंगी, करिया पैक घी डाल के। करी डाल दी मैं, पूरा इंग्रीडियंट डाल दी। अब इसको अच्छे से मिक्स करना टिल उसका कलर चेंज हो गया, जब तक मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये देखो, इसका ऑनियंस एंड चिलीज करीलीज अच्छे से फ्राई हो गए एंड कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसको 30 seconds के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। एंड जिंजर गार्लिक का स्मेल भी चले गया। अगर आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट या सी चॉप जिंजर गार्लिक भी ऐड करने का तो ऐड करते हैं। अगर यू वांट टू डोंट वांट टू डालना इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो आप अवॉइड करके ओनली ऑनियन, ग्रीन चिल्लीज एंड करी लीव्स ऐड करके डायरेक्ट बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। अब ये अच्छे से फ्राई हो गया। मैं इसमें रेड चिली पाउडर एंड टर्मरिक पाउडर दो भी ऐड कर दे रही एंड इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसमें फ्राई हो गया बड़ा चॉप टमाटोज ऐड करके, ये फाइनली चॉप टमाटोज है, अच्छे से फ्राई कर लेती। मैं आपको दिखाती एंड ये थोड़ा फ्राई करने के बाद ओनली 40 seconds फ्राई करी मैं। इसमें हम थोड़ा सा जो पाउडर है ग्राइंड पाउडर वो ऐड करेंगे, बाकी का खाने के ऊपर से ऐड करके इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा 1-2 minutes के बाद फ्राई करने के बाद हम इसमें बिल्कुल थोड़ा वाटर ऐड करेंगे पूरा मिक्स हो जाने के लिए। टमाटे में लिड लगा देंगे, पूरा थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए जब तक, फिर दिखाते हैं। एंड 2 minutes के बाद या थोड़े टाइम के बाद मैं आके 2-3 minutes के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम आपका बहुत मीडियम लो फ्लेम में रख लेना। एंड जो भी हमारा खाना है ये कुक्ड राइस है, ये आप मॉर्निंग का कभी भी रात का भी खाना यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एनी कुक्ड राइस। अब मैं इसको पूरा ऐड करके अच्छे से मिक्स करके आपको बता। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ये राइस को। एंड एक चीज अपन नहीं डाले, वो हमें लास्ट में डालना है सॉल्ट। एज पर योर टेस्ट एक बार देख लो कि आपको बराबर है, अगर नहीं है तो एक्स्ट्रा ऐड करो। अगर आप राइस कुकिंग करते टाइम पे आप अगर सॉल्ट ऐड कर रहे तो अब इसमें सॉल्ट आप थोड़ा ऐड कीजिए। एंड अगर आप नहीं ऐड कर रहे तो अगर आप एज पर टेस्ट इसमें ऐड कीजिए सॉल्ट। फर्स्ट थोड़ा थोड़ा राइस लो, उसको कोट करो, फिर थोड़ा थोड़ा राइस लो, कोट करो, तो पूरा हमारे राइस को टमाटर अच्छे से कोट हो जाते हैं एंड फ्राई हो जाते हैं। अब हम इसमें ये जो ग्राइंड है आधा थोड़ा पहले डाले आधा बाद में डाले थे, अब और हम ऐड करेंगे 3-4 teaspoon हो गया एंड इतना सा बचा, अगर देखेंगे फिर अगर बराबर है या नहीं है फिर हम डालेंगे। अगर हमको और रिक्वायर हो रहा और टेस्ट होना तब अगर अगेन ऐड करेंगे वो। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये हमारा टमाटो राइस
बन के रेडी हो गया, इट्स वेरी टेस्टी। एंड मैं आपको एक हिंट देती हूँ, वो जो हम पाउडर ऐड करे थे ना टोमेटो राइस पाउडर, वो कैसा टेस्ट रहना मालूम, लाइक जब आप राइस खाते, जब आप राइस टेस्ट करते, तो वो पाउडर का टेस्ट आपके, पाउडर का फ्लेवर आपके टंग को वो लगना, उतना आप इसमें ऐड करना चाहिए। ओके एंड अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए हमारा टोमेटो राइस बन के रेडी हो गया। एंड इसके ऊपर हमने एग से एग रखा है, इट्स सो टेस्टी। मैं आपको खा के दिखाती कैसा लगता। अब मैं आपको ये खा के दिखाती कैसा लगता। सो यम्मी, पूरा फ्लेवर खाने में मिक्स हो गया, पूरा फ्लेवर खाने को अच्छे से मिक्स हो गया खाने में। इट्स वेरी डिलीशियस, आप पक्का ट्राई करो, स्पेशली किड्स को, बड़ों को, सबको पसंद आएगा ये। इसमें पाउडर का टेस्ट भी अच्छा से आ रहा है। आप प्लीज़ ये डिश अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आप भी ट्राई करो, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। टिल देन स्टे हेल्थी, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, बाय।